भारत देख ली मैंने, पिक्चर इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है, अलिया बस ने हमेशा की तरह अलिया बस ने नाराज़ नहीं किया, हैट्रिक मार दी, एक सुल्तान फिर टाइगर जिंदा है और अभी भारत। अगर मूवी देखने जाओगे तो ऐसा है कि एक कॉमन मैन के ऊपर है, एक जी कॉमन मैन की जर्नी कैसे होती है, और एक जो चीज़ होती है कि उनके डैड जो भारत के डैड है जैकी श्रॉफ, उनको बोलते हैं कि पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तो पूरे परिवार को संभालेगा ना, वो पूरे एक्सेप्ट करते कि हाँ मैं पूरे परिवार को संभालूंगा, तो वो 70 इयर्स एज हो जाती कि पूरा संभालते कैसे अपने परिवार को, शादी तक नहीं करते 70 एज तक, तब तक संभाल के रखते हैं, वो पूरा जर्नी दिखाया गया है। मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट अजीब देखा, सभी अच्छे हैं लेकिन अगर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो एक बुढ़ापे वाला और एक जवानी वाला, दो कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार है। रंगीन जवानी जब आती है पूरा थिएटर पागल हो जाता है, दिशा की एंट्री होती है, भाई की एंट्री होती है बाइक पे लेके, थिएटर में आग लग जाती है। अच्छा हुआ कि प्रियंका चोपड़ा ने ये रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रियंका चोपड़ा शायद ये रोल नहीं कर पाती, बिकॉज कटरीना के अपने पूरा रोल को खा दिया है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कटरीना कैफ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है रेस में अच्छा काम किया था एंड ये फिल्म में अच्छा काम किया। एक ही वर्ड बोलूंगा ब्लॉकबस्टर, पिक्चर सबको पसंद आएगी और ये ईद का जो बोलते गिफ्ट मिल गया, एक ईदी भी मिल गई है, और दो जो ईद खराब हो गई थी ये ईद पूरा वसूल कर देगी। तो मतलब ऐसे देखा जाऊंगी तो पूरी पिक्चर ही अच्छी है, ऐसा कुछ सीन ऐसा है नहीं कि बहुत गंदा सीन है, खाली एक चीज़ मुझे बहुत कमी लगी कि भाई को शर्टलेस नहीं दिखाया गया, खाली इतना सा पोर्शन दिखाया गया जिंदा गाने पे बस, लेकिन वो उसके बाद नहीं दिखाया गया, मुझे लगा कि और दिखाया जाएगा लेकिन वो नहीं दिखाया गया। सीन्स सारे अच्छे, डायलॉग तो जब भाई बोलते हैं कि कितने सफ़ेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में है उससे कहीं ज़्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही, अरे यार क्या डायलॉग है यार, मज़ा आ गया। सुनील ग्रोवर इज थ्रू आउट द मूवी, मतलब कुछ कुछ सीन्स में नहीं है बट सुनील ग्रोवर पूरी पिक्चर में है, और उनका जो बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है बट वो पूरी पिक्चर में है, ऐसा बहुत ही कम पिक्चर में दिखाया जाता है कि सपोर्टिंग रोल को नहीं दिखाया जाता पूरे पिक्चर में, थोड़े थोड़े में पार्ट्स में दिखा के खत्म करते थे, लेकिन इसमें स्टार्ट टू एंड सुनील ग्रोवर को दिखाया गया। भाई के फैंस तो ऐसे मूवी देखेंगे, जो भाई के फैंस नहीं वो भी जाके देखो, अब हमेशा बोलते रहते कि भाई को एक्टिंग नहीं आती, जाओ उसमें देख दो, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अगर आपको नहीं रिले आया तो आप मेरा नाम बदल दो, बट मज़ा आ गया देखे, मूवी भी देखे मज़ा आ गया और भाई को देखे भी और मज़ा आ गया, तो यार डबल धमाका हो गया, ईद भी मिल गई, मूवी पूरी दुनिया के पहले मूवी देख ली और भाई को भी देख ले सामने, तो यार धमाका हो गया यार, सोने पे सुहागा बोल सकते। अच्छा। 5 बजे मैं दूंगा 4.5 स्टार्स, ऐसी मूवीज करते रहो, प्लीज डोंट ट्राई टू गिव एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पिक्चर नहीं चल पाएगी, ऐसी कंटेंट मूवी लाओ या फिर एक्शन धमाका मूवी लेके आओ या फिर एक रोमांस कॉमेडी मूवी लेके आओ, पब्लिक खुश हो जाएगी। और प्लीज शर्टलेसिंग करो यार, यू आर नोन फॉर बॉडी बिल्डिंग यार, एक आइकॉनिक बॉडी बिल्डर हो, तो यार शर्टलेसिंग आई थिंक अभी हर मूव में दो सीन तो ऐसे हो जानी चाहिए, इसमें एक ही था बट मुझे लगा एंड में एक और आ जाएगा, बिकॉज कहा जाता है कि अगर एक्शन हो और सलमान का शर्ट ना निकाले तो अधूरा रह जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कमी महसूस हो गई, बट अलिया बजफर यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, हैट्रिक मिल गया आपको, कबीर खान को नहीं मिली थी बेचारे को, ट्यूबलाइट में नहीं मिल पाई थी, लेकिन यहाँ पे तो हैट्रिक मिल गई।